औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करम करने वाला है, आपके ऊपर भी मेरे आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट आपसे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना हो सके हमारी वीडियो को फुल वॉच करे, देखे। बड़ा खुश है और सफान से मुलाकात अभी तक इसने नहीं की, वो है नौशाद। नौशाद छोड़ो यार, सफान तुझे इतना मिस कर रहा है, यकीन कर तुम्हें याद का। अब तुम आए क्यों नहीं? सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को, हमारे फॉलो को, सफान को ये बताओगे क्यों तुम नहीं आए? बताओ जल्दी। वैसे आपको पता है आज 2 तारीख हो गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ट्यूसडे, आने का दिल बिल्कुल भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्यों जल्दी? सफान कब कब मिलेगा नौशाद, पहले तो ये बता। यार अभी इतने सारे छुट्टियाँ मिले हैं माशाल्लाह, ईद की भी छुट्टियाँ थी और मजदूर बे की भी छुट्टियाँ मिली हैं। यार मसला पता है कि हालत ऐसे हो गए हैं कि बंदा जो है ना कहीं नहीं पड़ता है। नौशाद साहब को डबल काम करना पड़ता है क्योंकि इसके घर में एक बड़ा भाई है, बाकी कोई नहीं है, सारा ये भी मजदूरी करता है, यानी कि हम लोग सारे मजदूर ही हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भाई। आप कोई भी हो यार, जिसको भी जितने भी बंदे सब मजदूर ही हैं, जिसको भी छुट्टियाँ मिलते हैं सभी छुट्टियाँ मना लेते हैं, सेठ हो या गरीब हो, सबके लिए होता है ये मजदूर को। बहरहाल मजदूर डे अच्छा ही गुजरा है, बच्चों के साथ गुजारा है, घर में गुजारा है, बच्चों के साथ खाया पिया है, वो कहाँ जाए ऐश किया। मगर सफान के बाद कभी आएगा नौशाद? फटाफट, टाइम नहीं है। सफान के साथ इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात करेंगे, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर करेंगे। कैसे? अस्सलाम वालेकुम भैया, ठीक ठाक हो? चंगे हो? फिट फाट हो? ठीक है तो सफान मेरे साथ ही। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करना। और इसको पता है अभी तक ये वैसे ही है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों की इसको सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग इसको सपोर्ट करो, इसको लाइक करो। अरे वो बंदा बुला रहा है, उसके पास जा रहा हूँ, ठीक है? तो मिलते 2 मिनट के बाद। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, एक मिनट, आ रहा हूँ नौशाद, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? फिट फाट हो? चंगे हो? सारे मजदूर है भाई, देख के मुझे खड़े हो गए भाई जी भाई। 1000 रुपया हम कमाते, हमारी पूर्ति नहीं होती, नहीं रोटी का पैसा है। ये सारे मजदूर है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कल तो मेरी ऑफ थी तो मैंने सोचा था मजदूर डे इनके साथ बनाएंगे आज। पेट्रोल बढ़ गया था। अच्छा, आप लोग इधर ही थे? 24 घंटा काम करते है। हकूक आपका मिल रहा है? आपको सब चीजें मिल रही है माशाल्लाह के नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसी तरह मेहनत करते रहो भाई और दुआ मांगो अल्लाह पाक से। काम नहीं है बिल्कुल भी? तो आप सोते कहाँ हो? बस इधर ही सोते हैं, बिस्तर आने कुछ ऊपर सोते हैं, फिर पानी होते हैं, कपड़े गिले। ये देखो भाईजान, ये मजदूर की आजकल सिचुएशन है, आपको पता है, देखो हर लोग परेशान है, तो मेरा फोकस सिर्फ इसके लिए होता है, इसको एंटरटेन देना, इनको समझाना कि भाई अल्लाह बहुत बड़ा है, ये लोग बेचारे मुल्क छोड़ के आते हैं, क्योंकि ये लोग मेहनती बंदे, ये देखे सारे मेहनती है, मेहनती। आप यकीन करो, आप लोग जो मेहनत कर रहे हो ना, आप लोग जो मेहनत करते हो ना, अल्लाह पाक आपसे डायरेक्ट खुश होता है, डायरेक्ट आप लोग को देखता है, क्योंकि मजदूर है तो हम है, मजदूर नहीं है तो कुछ नहीं है, क्या ख्याल है? मजदूर है तो सब है, वरना मजदूर नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो भाई मैंने सिर्फ, इन्होंने मुझे अपनी ख्वाहिश पे बुलाया था, तो इसके लिए मैंने वे लोग यहाँ से स्टार्ट किया। अब आपका काम है इनको सपोर्ट करना, जितना हो सके इनके लिए दुआ भी मांगना, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, रज़ू दे। नहीं सपोर्ट ये कि इंशाल्लाह अल्लाह सुनेगा, यानी कि ऊपर वाले ने सारा ये सारा मिस कर दिया। हाँ, छोटे मोटे मसले हैं ना, यहाँ आती है ना, ये छुट्टी क्यों आई आपको पता है? ये अमेरिका की वजह से आई, क्योंकि अमेरिका में मजदूरों ने स्ट्राइक की थी, 80,000 लोग निकले थे। लेकिन आप मेहनत करो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेहनत करो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा है, अल्लाह ताला आपका जरूर साथ देगा। मैं ये क्या भाई, 3 दिन की 3 वक्त की रोटी खानी है, फिर जाने आना है, जाने घर पे बच्चे छोड़ के आए, वो क्या खाएंगे भाई? वो है कि देखो आपका जो बड़े है आपको उससे ही बात करो, ठीक है ना, जो बड़े आपके जो है उससे आप बात करो। एक कमेटी बैठा हुआ, एक मीटिंग बैठा हुआ, आप लोग भी जिस तरह वो लोग ने किया है, अगर आपको हुकूक नहीं मिलता है तो आप भी स्ट्राइक करो और क्या, निकलो आगे, आपका हक यही है। काम नहीं है ना, वैसे तो चल रहा है, काम नहीं। बाबा इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहम करेगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मेरा भी काम है, इनका भी भाग, हमारा भी पेट है, हमारे भी बच्चे सबके हैं, तो आपके भी है, मेरे भी, अब मेरा बुलाव आ गया, ठीक है? तो अब मैं फिर मिलते खाने पे। ये देखिए, ये भाई अकेले ने उठाया इतना वजन, तो ये कह रहे हैं हमारे हक हमको मिलना चाहिए। तो फारूक भाई आप वीडियो को चलाएं, आपकी मेहरबानी, आप इतना सपोर्ट हमें कर रहे हैं कि हमें हक मिलना चाहिए, सही है ना? मजदूर का एक हक मिलना चाहिए, दिन रात यहाँ काम करते हो, मेहनत करते हो, गरीब हो आप,
मजदूरों मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ, आप भी मेहनत करते हैं, और ये अल्लाह पाक आपको डायरेक्ट देख रहा है। आप यकीन करो, ये मजदूरी आप मजदूर जो करते हैं ना, मजदूरी जो खास करके पेट के लिए, जो जिसके बीवी बच्चे बाहर हो, तो अल्लाह ताला आपको डायरेक्ट देख रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह मायूस ना हो, अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा, रोज़ी भी देगा, रिस्क भी देगा, बरकत भी देगा इसमें इंशाल्लाह। ठीक है भाई, आ जाओ आ जाओ, सब लोग बोलो इंशाल्लाह फारूक भाई, इंशाल्लाह फारूक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जो हमारे लिए कर रहे हो, अल्लाह ताला मेरी नहीं आप मेहनत ज़्यादा मेहनत आप कर दो, अल्लाह ताला आपके बच्चों की नसीब की रोज़ी इंशाल्लाह ज़रूर देगा, और पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद, आमीन आमीन। ठीक है भाई, इस वक्त मैं आया हूँ खान साहब की दुकान पे, जहाँ मेरे पास अजीम मेरा दोस्त था जो मुझसे बिछड़ गया है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, और ये ओनर है माशाल्लाह। मैं बैटरी लेने आया हूँ इनके पास, अकेले अकेले बोतल पी रहे हो। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, इसका बैटरी मिल जाएगा खान? नहीं मिला यार। भाई मैं भिंडी लेने आया हूँ, ये भाई आप यकीन करें, मैं जितना आप यकीन करें कम है, इतनी प्यार इतनी मोहब्बत दे रहे। ये भाई कह रहे चाय पी रहे लोबिया खिलाए, मैंने बोला नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार, इनका दिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिल है, मुझे कहता है चाय पियो, मैंने बोला चाय में सिर्फ एक बार पीता हूँ, मगर इनकी दुकान देखें माशाल्लाह की शॉप देखें, ये लोबिया है और ये है मिक्स सब्जी, ये है माशाल्लाह मेरे प्यारी प्यारी भिंडी, और ये माश की दाल, और ये चने की दाल, ये भूना, और ये माशाल्लाह ये कौन सी मुर्गी है? नमकीन मुर्गी, वेरी गुड यार, मुझे बड़ा शौक है खाने। और ये भाई बर्तन मांझ रहे, क्या मांझ रहे बर्तन? चलो मैं भी मांझता हूँ आपके साथ, ये देखो ये देखो, जरूर लाइक कर दे शेयर कर दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं घर पे, बस रात को वीडियो जरूर देखना, ठीक है? ओके ओके। तो इस भाई जितने भी लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह रिजनेबल प्राइस है, आप मेरे ख्याल 80 रुपये में खाना खा लेंगे कि नहीं, दो रोटी के साथ 80 में आराम से खा लेंगे दो रोटी के साथ। जहाँ पे मेहनत होती है मजदूर यहाँ पे खाना खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से दुआ निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। तो मेरी भिंडी खाता हूँ घर पे जाके। भाई सफ़ान का बहुत बड़ा मसला हो गया, क्योंकि सफ़ान पे पानी गिर गया। कहाँ गिरा है सफ़ान? क्या गिर गया है? पानी, पानी जब गिरता है तो ये बहुत टेंशन में आ जाता है। ठीक है, तो आज मैं अपनी वीडियो एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी टांगों में दर्द हो गया, और माशाल्लाह आज क्या करें, आपको पता है कि मैं मेरा छोटा सा दिल है और मुझे तर्ज आ जाता है मजदूरों के ऊपर, तो बोला फारूक भाई आज मेरे साथ वीडियो बनाए। पप्पा को लाइक करना, सब लाइक करना, और वीडियो फुल वॉच करना, और वीडियो फुल वॉच करना, अगर नहीं करोगे तो आई। तो मिलते हैं खाने पे, फिर एंड करते हैं जल्दी फटाफट आ जाए, फटाफट, टाइम बहुत कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है, और दुआ मांगे सबसे विवश मेरे जितने भी लोग हैं, हमारा एक टंका खाली हो गया, एक टंके में बहुत कम पानी है, अगर पानी चला जाएगा आपको पता है मुझे बहुत परेशानी होगी, और दूसरी बात है सफ़ान को भी भरना पड़ेगा पानी, क्या भरना पड़ेगा? पानी भरेगा ना, नहीं भरेगा तो गोली मारूंगा। कहाँ जाए भी लोग एंड करें। हाँ भाई खाना तैयार है? खाना तैयार है, कितनी देर है? ठीक है मेरे दोस्तों, कल अच्छी वीडियो मिलेगी आपको इंशाल्लाह। मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक आपने देखी होगी मजदूरों के साथ, आज का व्लॉग मजदूर के नाम, इजाज़त है भाई, आज का व्लॉग मजदूर के नाम, आज का व्लॉग मजदूर के नाम, लाइक करना, लाइक करना, आई शाबाश। तो आज वीडियो एंड करते, सब्सक्राइब लाइक, और जितना हो सके वीडियो फुल देखना, अगर नहीं देखोगे तो अल्लाह हाफिज़।